सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं सुनील चौधरी बी एस बी डबल्यू करियर बिल्डर्स तो। टीम बी एस बी डबल्यू करियर बिल्डर्स ने पिछले कुछ दिनों तो एक असी एफर्ट स्टार्ट किया हैगा, एक नवी असी वीडियोज़ की सीरीज़ लैके आ रहे हैं, जिदे विच असी रूटीन बेसिस ते कोशिश रहूगी साडी डेली बेसिस ते असी तुहाडे नाल एक केस इदां दा जरूर डिस्कस करिया करिए जो साडा डेली दा काउंसलिंग दा एक्सपीरियंस रहिंदा है। साडे कोल बच्चे जिहड़े काउंसलिंग लई आंदे है, चाहे वह टैलीफोनिक काउंसलिंग होवे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होवे, या जिहड़े साडे ऑफिस विजिट करदे आ, तां उहनां दे विच्चों कुछ इदां दी इनफॉर्मेशन जिहड़ी सानूं लगदा है कि तुहाडे तक पहुँचाउणी बहुत जरूरी है, तां कि तुसीं अपनी वीज़ा फाइलिंग दे विच वह गलतियां ना दोहराओ जिहड़ियां उन्हां बच्चों ने या उन्हां कैंडीडेट्स ने नोइंगली या उन्होंने कह लो कि अनअवेयरनैस के करके, अवेयरनैस घट होने करके उन्होंने जिहड़ियां गलतियां कीतियां ताकि वह तुसीं ना कर पाओ। सो अज का केस हैगा स्टूडेंट, अज साढ़े लुधियाना ऑफिस दे विच विजिट किया स्टूडेंट, मैनू मिलिया आके उहदा कैनेडा की 5 ईयर्स की एंट्री बैन हो गई, उहदी रिफ्यूजल आई, रिफ्यूजल तो बाद 5 साल की एंट्री उहदी बैन हुई। रीज़न की रहा कि उन्हें जिहड़े फंड्स लगाए सी ओ फेक लगाए सी। हुण पहला तां एक चीज़ इत्थे ए देखनी बहुत जरूरी है कि की कैनेडा दे विच फंड्स शो करन दी रिक्वायरमेंट है, जे है तां किहनां बच्चियां नूं रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़, जिहड़े बच्चे एस डी एस कैटेगरी दे विच केस फाइल करदे आ कैनेडा दे विच, उहनां नूं फंड्स शो करन दी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हैगी, चैकलिस्ट दे अकॉर्डिंगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जदों एस डी एस कैटेगरी दे विच बच्चा केस फाइल करता, 1 साल की फीस वो पे कर चुकिया हुंदा, 1 साल के लिविंग एक्सपेंस जिहड़े जी आई सी है वो पे कर चुकिया हुंदा, तां उहनूं फंड्स दिखाउण दी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। हुण ये बच्चे ने फंड्स क्यों दिखाए सी, क्योंकि ये नॉन एस डी एस कैटेगरी दे विच फाइल कर रहा सी, ओवरऑल 6 बैंड सीगे, एक मोड्यूल दे विच 5.5 बैंड होण करके ते उहदे कंसल्टेंट ने उहनूं एडवाइस किया कि तू फंड्स जिहड़े हैं वह शो कर लै, और उन्हें फीस भी 6 मंथ्स की पे की सी, समहाउ कोई रीज़न रहा होना है, उहदे कोल पैसे घट होने हैं या कुछ, जी आई सी उन्हें नो डाउट पे किया सी फीस, उन्हें 6 मंथ्स की फीस पे की सी, ते बाकी कुछ अमाउंट दे उन्हें अराउंड 8 लाख दे जिहड़े फंड हैगे वह दिखाए सी। हुण जदों ये फंड किन्ने दे दिखाने हैं, फंड दिखाने की लोड़ हैगी है या नहीं, ये बहुत वड्डा सवाल है, पेरेंट्स के दिमाग के उपर भी हमेशा ये सवाल हावी रहिंदा है। बच्चे भी सानू आके अक्सर पूछते हैं कि जी मेरा कोई फ्रेंड हैगा है वो दूसरे कंसल्टेंट तो फाइल लवा रहा, तो वह तो कहें जी फंड शो करने पैने, तुम कहें नहीं शो करने पैने। सो मैं पहले ही जिदा क्लीयर किया कि एस डी एस कैटेगरी वालों कोई फंड दिखाने की लड़ नहीं है, नॉन एस डी एस वालों भी अगर वो 1 साल की फीस पे कर रहे हैं तो 1 साल के लिविंग एक्सपेंस भी पे किए हैं, और अगर उन्होंने पेरेंट्स की एनुअल इनकम बहुत वधी है तो उन्होंने भी कोई फंड दिखाने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं हैगी। हुण इस बच्चे का जिहड़ी एंट्री बैन 5 ईयर्स का लग्या, उहदी वजह की रही, क्योंकि बच्चे ने जिहड़े फंड शो किए, बच्चे तो जदों मैं पूछा कि हाँ फंड्स की डिटेल दस, वो पैसे तू कितों ले सी, तां बच्चे ने जिहड़े फंड शो किए, बच्चा कहिंदा मैं बैक डेट दे विच फंड शो किए। अज असी सारे एक ऐसे टाइम दे विच हैगे आ कि हर चीज़ ऑनलाइन है, फोनस दे विच नैट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशनस बैंक्स दीआं हैगीआं, जिहदे नाल एक चीज़ सानू सब नू पता है कि जो भी फंडिंग दी, अज अगर मैं कहां कि मेरे अकाउंट दे विच बैक डेट दे विच एंट्री कोई भी अगर मैं कहना कि कोई करवा सकता है तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई भी तुहानू ये चीज़ बंदा कहता है, चाहे कोई वो फंड शो करवाण वाला है या कोई कंसल्टेंट तुहानू कहता है कि असीं बैक डेट दे विच तुहाडे अकाउंट दे विच पैसे पवा देंगे, फंड शो करा देंगे, तो वो चीज़ टैक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तुसीं आप पढ़े लिखे हो मॉडर्न वर्ल्ड दे विचों, तुसीं इस चीज़ में समझो, जदों सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सारा कुछ ये पुराना सिस्टम नहीं है कि अकाउंट दे विच जिहड़ा रजिस्टरां दे विच लिख लिख के एंट्रियां पाईआं होईआं। सो बेवकूफ़ ना बनो, पैसे दे के बेवकूफ़ बन रहे हो। एक तो उन्हें पैसे दिते, पैसे दे के फंड शो कराए, और फंड शो किस तरीके होए कुछ नहीं मैनू उस चीज़ का नहीं पता, पर जदों एम्बैसी ने उस चीज़ की वेरीफिकेशन की तो वो फंड जैनुअन नहीं निकले, जिदे करके एम्बैसी ने उन्होंने जिहड़ा उन्हां दी जिहड़ी 5 ईयर्स की एंट्री बैन की, पहला उन्होंने 21 डेज का टाइम दिता, प्रोसीजरल फेयरनैस की एक उन्हां दा जिहड़ा प्रोसैस हैगा उहदे अंडर उन्होंने 21 दिन का उन्होंने टाइम दिता कि तुहाडे फंड्स सानू लगता है फंड्स वेरीफाई नहीं हो रहे, सो इहदी सानू क्लैरिफिकेशन दो। हुण जदों बच्चे ने फंड शो ही कराए सी और सिस्टम भी सारा जाली सी, जाली फंड शो कराए, तो उहदी उह की क्लैरिफिकेशन दिंदा, तां कोई क्लैरिफिकेशन ना देण दी वजह करके 21 दिन के बाद उन्होंने उहदी 5 ईयर्स की एंट्री बैन करके भेजती। हुण जिन्हें फंड शो कराए, जिन्हें पैसे ले, उहदा शायद
नहीं कुछ गया या ज़्यादा तो ज़्यादा किया उन्हें जो फंड्स के पैसे ले होंगे वो वापस कर दूंगा, पर बच्चे की 5 साल की एंट्री बैन कैनेडा लिए हो जाना मतलब कैनेडा लिए बच्चा समझ लवे उहदे लिए कैनेडा के जिहड़े दरवाजे है वह तकरीबन बंद है और बच्चे का जिहड़ा प्रोफाइल तो करैक्टर इशू लग्या कल नूं वह US अपलाई करेगा फिर भी ये चीज़ उहदे नाल रहनी है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अपलाई करेगा फिर भी उन्होंने दसना तो पैना है कि वह रीज़न की रहा है पिछे वह रिफ्यूजल क्यों है। सो इदां दीआं मिसटेक्स तुसीं ना करो। अगर तुहाडे कोल फंड सफिशेंट नहीं हैगे तां तुसीं किहड़े किहड़े इदां दे मैथड्स आ जिन्हां नाल तुसीं फंड शो करवा सकदे हो, वह हैगा सब तो बैस्ट और इफेक्टिव जिहड़ा मैथड हैगा है और लीगल वे हैगा वह हैगा स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन तुसीं कह सकदे हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कि तुहाडे पेरेंट्स बैंक नाल गल करके वो लोन लै लैण, इको एक बैस्ट मैथड हैगा है। होर किसी भी प्रैक्टिस दे विच तुहानू पैण दी जरूरत नहीं हैगी और अगर तुसी कोई अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिस दे विच पैने हो तो टाइम और जिहड़ा करियर है वो तुहाडा खराब होना है। सो वाइजली अपना जिहड़ा पैसा कित्थे लगाना है और किहड़ी कंट्री नू चूज़ करना है तो उहदी इनफॉर्मेशन तुसी सारी नॉलेज रखो। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तुहानू वीडियो चंगी लगी है तो इहनू प्लीज़ शेयर जरूर करो ताकि होर स्टूडेंट्स तक भी ये चीज़ पहुँच सके। थैंक यू सो मच।